बड़ा सोचने में क्या प्रॉब्लम है, चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक जगह मुझे लेक्चर को बुलाया था, काफ़ी लोग थे, 150-200 लोग बैठे हुए थे और मैं लेक्चर दे रहा था। कुछ उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कुछ सरकारी नौकरी में थे, कुछ प्राइवेट कर्मचारी थे, कुछ बिजनेसमैन थे और क्लब का लेक्चर था। मैं बात कर रहा था कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा क्यों नहीं सोचते आप। मैंने एक को पूछा, भाई आपका बिजनेस अभी कितना कर रहे हो आप? तो बोले साल भर में 1,500 करोड़ का सेल होता है, 1 करोड़ का सेल साल भर में करता हूँ। मतलब भाई आप ये क्यों नहीं सोचते कि भाई अगले साल मेरा 100 करोड़ का हो जाएगा? बोले नहीं, ऐसा कैसा आप बोल रहे? मतलब कैसा बोल रहे भाई, मुँह से बोल रहा हूँ, बोलना कैसा है? मुँह से बोल रहा हूँ कि भाई 100 करोड़ का क्यों नहीं सोचता? नहीं, बोले 100 करोड़ का कैसा सोच सकता हूँ मैं, कैसा होऊंगा? मतलब मैंने कहाँ बोला कि होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैंने बोला कि 100 करोड़ का होऊंगा, ये क्यों नहीं सोचता तू? ये सोचते क्यों नहीं तुम कि मैं 100 करोड़ का हूँ? नहीं नहीं, ऐसा 100 करोड़ का मैंने सोचा और मैं किसी को बोला तो, मैंने बोलना किसको है, पहले सोच तो सही। नहीं, मगर लोग क्या कहेंगे, समझो मैंने सोचा और मैंने बोला कि मेरे को 100 करोड़ करने का है तो लोग क्या कहेंगे? मतलब वही तो प्रॉब्लम है हमें, कौन सी बीमारी है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, फिर लोग क्या बोलेंगे? मतलब भाई 100 करोड़ का सोचने में लोग क्या बोलेंगे तेरे को? 100 करोड़ का तुम सोचेंगे कि भाई मैं अगले साल 100 करोड़ का धंधा करूंगा, बोले 1 से 100 करोड़ कैसा संभव है? बोले भाई ये किसने बोला संभव है नहीं है उसमें जाना? बोले ये देखो कि आपका बिजनेस 1 करोड़ का है और आप बोल रहे अगले साल मैं 100 करोड़ का करूंगा, ऐसा सोचना है पहले। आप सोचेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे और वहां से एक्शन लेंगे, भले ही 100 करोड़ नहीं होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, जो भी होगा होगा, अदरवाइज ये नहीं करते थे तो 1 करोड़ से आप 1.5 करोड़ जाते थे अगले साल। अभी जब 100 करोड़ बोल रहे हैं, वहां से आप चल रहे, एक्शंस ले रहे, बोल रहे, काम कर रहे, तो कम से कम 30, 40, 50 जितना भी होगा उतना, चलो नहीं उतना भी हुआ 5 हो जाएगा, 5 करोड़, तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? नहीं, बोले प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। मतलब फिर सोचना, ये सोच और लोग क्या कहेंगे? नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कितने लोगों को आप पहचानते हो? आपके यहाँ शादी है तो कितने लोग आते हैं? बोले 500 आएंगे। मतलब 500 लोगों को तू कार्ड बांटेगा और 500 फैमिलीज, मतलब वहाँ आपके यहाँ जाते हैं तो 1,000 लोग खाना खाने आएंगे। अब ये 500 लोगों को तुम जानते हो, उसमें से कितने लोगों को मालूम है कि आज आप यहाँ बैठे हैं मेरे व्याख्यान में? हार्डली 500 लोग मालूम है कि आप यहाँ हैं। बाकी 500 लोग जो है उनको मालूम भी नहीं है कि आप आज कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे, क्या पी रहे, धंधा कौन सा कर रहे, मंदी की तेजी आपके धंधे, किसको कुछ मालूम है? कितने लोगों को मालूम होगा कि आपके धंधे का टर्नओवर कितना है? कितने लोगों को मालूम है कि आज आप मेरे लेक्चर में बैठे हो यहाँ? बोले हार्डली 5-10 लोगों को मालूम होगा। दोस्तों को मैंने बोला कि मैं लेक्चर को जा रहा हूँ, बोले बेटे जो 5-10 लोगों को मालूम है तू यहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब एक्चुअली 5-10 लोगों को ही कुछ फर्क पड़ने वाला है कि तू 1 करोड़ का 100 करोड़ बोलेगा तो वो 5-10 लोग ही हंसने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या फर्क पड़ रहा है? सोचने में, वो डिक्लेयर करने में, उसके लिए प्लान बनाने में और प्लान बना के उसके ऊपर एक्शंस करने, क्या प्रॉब्लम है? मगर हमको है LKK सिंड्रोम। LKK मतलब लोग क्या कहेंगे, तो लोग कुछ भी कहते नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, वो सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब आप क्या कहेंगे, मतलब वो उनके जुगाड़ में है, वो उनके फिराक में है, वो ग्रस्त है वो सोचते कि लोग क्या कहेंगे, मतलब वो उनके इसमें डरे हुए हैं, वो डरा हुआ इंसान है सामने वाला कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, होना है ना, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ कहता नहीं है, आपको जो करना है वो आप करो, ताकत से करो। और मैं जो बताया कि पहले सोचो, डिक्लेयर करो, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान बनाओ और बाद में एक्शन लेना चालू करो। जो एक्शन सक्सेसफुल है वो रिपीट करो, जो एक्शन फेल है बंद करो, नई एक्शन चालू करो। ये करेंगे तो आपका धंधा 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ये डेफिनेटली आप करो। बड़ा सोचने में प्रॉब्लम ही नहीं है, बड़ा सोचो, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।